देखिए, लेसन नंबर 11 है आपका, स्टैंडर्ड फोर्थ का, एनवी का, ठीक है। रतन इज स्टडिंग इन क्लास फोर्थ। रतन जो है कौन सी क्लास में पढ़ता है? फोर्थ क्लास में। शी वेंट टू विलेज विद हर ग्रैंडफादर ड्यूरिंग हॉलीडे। वो छुट्टियों में अपने दादाजी के यहाँ पे गया गाँव में। वन मॉर्निंग ग्रैंडफादर टुक हर टू एन आर्कड। एक दिन फिर उसके दादाजी उसको गार्डन में लेके गए, मतलब बगीचे में। आर्कड क्या होता है? बगीचा। When grandfather was giving grass to cow, buffalo and ox at that time, Ratan ran and went inside the arcade. तो उनके जो दादाजी थे वो क्या कर रहे थे? गाय और भैंस और क्या बोलते हैं उसको, बैल को, उसी समय घास वगैरह डाल रहे थे। और रतन जो था साइड में जाके बगीचे के भाग्या ही। शी सा डिफरेंट फ्लावर्स, एपलिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड क्लिम्बर इन द आर्कड। शी आल्सो सा प्लांट्स ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सिस एंड आल्सो टाल्ट। तो क्या बोलते हैं उसको, रतन ने बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्लावर्स देखे वहाँ पे, सब्जियाँ देखी, बेलदार सब्जी जो बेल पे लगती है वो वाली सब्जियाँ देखी आर्कड में, और बहुत सारे ग्रेन्स पल्सिस और बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़। हाउ ब्यूटिफुल वर द रोज इन द पार्ट। और बहुत ही सुंदर ब्यूटिफुल रोज भी देखे पार्ट में। डू यू नो, आप जानते हो, दे आर रेड येलो पिंक एंड वाइट। वो कैसे कलर के थे? रेड कलर के, येलो कलर के, पिंक कलर के। हाउ एवर इज वन ऑफ द पार्ट्स देयर वर वेरी लिटल बनाइन ट्री लाइक स्पैन। शी वॉज वेरी मच सरप्राइज बाई सींग ऑल दिस। वो सब देख के वो बहुत ही खुश हुआ, सरप्राइज लगा उसको, अजीब लगा। नो क्लोज यूअर आइज एंड इमेजिन दैट यू आर एट द सेम प्लेस लाइक दिस। हाउ डू यू फील? वो बोल रहा है आप इमेजिन करो, क्या करो, इमेजिन करो कि आप आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि मैं भी एक ऐसे ही गार्डन में खड़ा हूँ, तो आपको कैसा फील होगा। विच काइंड ऑफ सॉन्ग वुड यू लाइक टू सिंग देयर। जो आप गाना गाते हो और वो गाना बज रहा हो। हैव यू एवर सीन सो मैनी फ्लावर्स ग्रो टूगेदर एनी वेयर। क्या आपने बहुत सारे फ्लावर ग्रो करते हुए देखे हैं? और देखे हैं तो कहाँ देखे हैं? नेक्स्ट देखिए, ये पिक्चर है। दिस इज ए पिक्चर ऑफ टेपस्ट्री मेड बाय द पीपल ऑफ कच्छ बाय यूजिंग एम्ब्रॉयडरी। ये पिक्चर जो है कहाँ की है? कच्छ की है। ये लोगों के द्वारा बनाई गई है। द डिज़ाइन ऑफ फ्लावर इज डन बाय स्काई स्किलफुल। सच डिज़ाइन आर डन ऑन कशन कवर वाट वैलेट पर्स वैक्स एक्स्ट्रा। ये डिज़ाइन जो है बहुत सारी जगहों पे, जैसे पर्स हुआ, बैग हुआ, उनके ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके फ्लावर्स नेम हैं, आप इसमें से फ्लावर्स ढूंढ ढूंढ के फ्लावर्स के नाम लिख सकते। रतन वाज वॉकिंग ए हेड इन द आर्कड। रतन जो था वो चल रहा था आर्कड में, बगीचे में। शी सा सम पर्सन वर क्लीनिंग ग्रास इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड। उसने देखा कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, घास को साफ कर रहे थे फील्ड में से। शी वर देयर एंड स्टार्ट पुलिंग द ग्रास। डू यू नो वट हैपन। आप जानते हैं वो क्या कर रहे थे? हर सॉफ्ट हैंड बिकम रेड बिकॉज ऑफ पुलिंग ऑफ ग्रास एंड पुलिंग ग्रास मैनी रूट्स ऑल्सो केम आउट। तो वो देख रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे, घास साफ कर रहे थे। हाउ डीप एंड वाइड इट्स रूट आर इमेजिन देयर। रतन सा दैट। रतन ने देखा रामजी भाई बाज पुलिंग रेडिश। रामजी भाई क्या कर रहे थे? रेडिश उखाड़ रहे थे। रतन आस्क रामजी भाई, सो ही टोल्ड बेटा दीज आर रेडिश एंड इट इज आल्सो रूट्स। बोल रहे ये रेडिश है, रेडिश क्या होती है? मूली। और सडनली रेन स्टार्टेड, और अचानक से बारिश आ गई। इट वॉज रेनिंग हैवली विद स्टॉर्म हाउ एवर द ट्रीज वर स्टूड स्टिल। तो बहुत तेज तेज बारिश आने लगी, साथ में हवा भी आने लगी। रतन हैड सीड ए ह्यूज ट्री फॉलन स्टोन एट द एज ऑफ ए फील्ड। रतन ने देखा कि बहुत बड़ा पेड़ जो था फील्ड में गिर गया। शी रिकॉल द नीम ट्री ऑफ हर स्कूल। उसने क्या किया, नीम ट्री को स्कूल में देखा। शी कैन सी द डैमेज रूट ऑफ दैट ट्री। उसने देखा कि पेड़ जो था एकदम जड़ से ही उखड़ के गिर गया। तो शी थाट, उसने सोचा। नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपने ये पेड़ तो देखा होगा ना, इस पे हम लोग झूला भी झूल सकते हैं। कवरवेज सिचुएटेड इन द भारूच इज वेरी वीग। इट प्रोप एरियल रूट्स गिविंग स्ट्रेंथ टू द बनाना ट्री लाइक पिलर स्नो। आपने ये बनाना ट्री देखा है ना, उसमें बहुत सारी रूट्स निकली रहती हैं, बच्चे उसको पकड़ के झूलते भी हैं। रिमेंबर वन दैट बनाना ट्री हैज द रूट्स इन साइड द सॉइल लाइक अदर ट्रीज। हैव यू सीन प्रोप रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम अदर ट्रीज लाइक बनाना ट्री। गैदर इन ग्रुप ऑफ थ्री फोर टू टेल हु विल ब्रिंग वट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ग्रीन ग्राम, मूंग, वीट, बाजरा, मस्टर्ड ग्राम और किडनी बीन्स, राजमा एंड कॉटन। ये सब भी प्लांट्स आपने देखे हैं ना। ग्रीन ग्राम मतलब मूंग की दाल, बीट गेहूँ, बाजरा तेल का पेड़ रहता, ऑयल का मस्टर्ड, ग्राम किडनी मतलब राजमा और कॉटन। एवरी ग्रुप विल वर्क विद ओनली वन काइंड ऑफ सीड। Soak some seeds that the whole night in wool filled with water. Take cotton and wet it. Put the cotton on the mouth of glass
टाइट विद रबर बैंड आर थ्रेड टाइटली. टेक आउट सोक्ड सीड फ्रॉम वाटर एंड पुट इट इन द कॉटन. टेक केयर द कॉटन विल नॉट ड्राई. ऑब्जर्व द चेंज इन द नेक्स्ट 10 to 12 डेज. हैव यू दिस स्प्राउट कमिंग आउट फ्रॉम द सीड्स. हाउ आर जर्मिनेटर सीड्स आर लुक ऑन द 4th and 8th डे. ड्रा दियर पिक्चर्स. तो इसमें आपको क्या बताया है पैराग्राफ में, एक एक्टिविटी ऐसा दिया है कि आप एक बीज लीजिए, उस बीज को पानी में डाल के रख दो, तो उसको दूसरे दिन आप बाहर निकाल के रख दो, किसी कॉटन के कपड़े से साफ कर लो, तो देखने का उसको कैसा हो जाएगा. या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं, या फिर एक बीज को आप सीड को सॉइल में मिट्टी में दबा देने का और थोड़े दिन के बाद उसको देखने का, आप 5-7 दिन में, तो उसी तरह की एक पिक्चर बना के आपने ड्रा करनी है. थैंक यू.